महिमा और आदित्य शॉक रह जाते हैं जब उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता और काशवी अर्जुन में ऐसी बहस हो जाती है जो कभी आदित्य और महिमा करवा ही नहीं पाते। जब अर्जुन और काशवी वापस घर आते तो महिमा और जगदीश अर्जुन की साइड से काशवी से जवाब मांगते हैं कि काशवी ने ऐसा क्यों किया। जगदीश की बातें सुनकर तो पता चलता है कि हर बार सिर्फ काशवी को ही सैक्रिफाइस करना होगा, वहाँ पर काशवी को नहीं अर्जुन को क्रेडिट जाना चाहिए। काशवी की बातें सुनकर महिमा जेलस फील करती है और इस मौके का फायदा उठाती है। इस सब में आदित्य महिमा का साथ देता है। काशवी से ये कहकर कि रिश्ता बचाने के लिए किसी को तो माफी मांगनी पड़ेगी। अर्जुन और काशवी दोनों जब एक दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं, महिमा उन दोनों के फिर से बीच में आकर सब खराब कर देती है। तब काशवी गलती ना होने पर भी आदित्य की बात मानकर अर्जुन से माफी मांगने जाती है। अर्जुन के बेडरूम में करुण और महिमा को अर्जुन के साथ खुश देखकर अर्जुन को महिमा के करीब जाता देख ये साजिश भी महिमा ने ही रची है। काशवी को वह गलत फहमी हो जाती है और अर्जुन को देखकर काशवी अपने डिसीजन को फिर से सोचने लगती है कि क्या उसे अर्जुन के साथ रहना चाहिए या नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अतुल टॉक चैनल। सब्सक्राइब द चैनल नाउ। ऑन टुडे एज आते एपिसोड हैज बीन शोन दैट अर्जुन काशवी को अपना मेन सी को शो करने लगता है, दिखाने लगता है कि काशवी को उसकी जरूरत है ना कि उसे काशवी की। काशवी अर्जुन को महिमा के करीब देखकर बहुत ही हर्ट हो जाती है और गलत फहमी में ही सही काशवी गुस्से में डिसीजन लेती है। आदित्य और महिमा इस सब में और साथ देते और दोनों मिलकर अर्जुन को काशवी से दूर करने की हर साजिश रचते। देखना तो ये होगा कि क्या अर्जुन अपनी गलती रियलाइज कर पाएगा, क्या काशवी करुण के लिए अर्जुन से माफी मांगेगी, क्या करुण काशवी को और गलत समझ लेगा या फिर सब ठीक हो जाएगा। देखिए सीरियल में सिर्फ स्टार प्लस पर।